सत्य तो ये है कि इस संसार में कोई भी महादेव के योग्य नहीं है, परंतु एक सत्य ये भी है कि जिसके हृदय में सत्य का प्रकाश है, मन में सच्ची लगन है, सच्चा प्रेम है, वो महादेव के योग्य बन सकता है। मैं आज आपसे जिस ज्ञान की बात करने जा रहा हूं, वो मुझे स्वयं महादेव से प्राप्त हुआ है। आपके माध्यम से सामान्य जन इस ज्ञान को सूत्र के रूप में जान सकेंगे। मनुष्य योनि में इस धरती पर जन्म लेने से आपको अपनी आत्मानुभूति का विस्मरण हो गया है, इसलिए आप भय और आशंका से ग्रस्त हैं। परंतु हर आत्मा उस परम ब्रह्म का स्वरूप होता है। अपने आत्मा से आच्छादन के परत को क्रमशः उतारने से और भय को मन की एक स्थिति के रूप में स्वीकार कर लेने से आपकी आत्मानुभूति में वृद्धि होगी और आप महादेव के सामीप्य का आनंद उठा सकेगी, क्योंकि महादेव स्वयं परम ब्रह्म है। परंतु ऋषिवर, इस भय से उभरने का और क्या उपाय है? अपने अस्तित्व का सकारात्मक ज्ञान, तत्वमसी की अनुभूति से, अर्थात परम ब्रह्म शिव मेरे अंदर ही है। मुझे उन्हें अपने अंदर में ही खोजना है। इस ज्ञान से मनुष्य की आत्मा 5 अन्य कोशों से आच्छादित होती है। मनुष्य का मन अपने अनेक विचार और चैतन्यता को समाहित करता रहता है। वर्षों के संस्कार इन 5 विभिन्न कोशों को और भी संचित करते रहे हैं। संशय में कभी मत पड़िए, ज्ञान बोध और अनुभव में यही भिन्नता है। मैंने जो कुछ भी कहा वो केवल निराकार विद्या है। महादेव के सान्निध्य से ही इस निराकार विद्या को एक आकार प्राप्त होगा और वही क्षण होगा आपके आद्य शक्ति के चरमोत्कर्ष का। भगवान जी पत्थर के अंदर क्यों होते हैं? भगवान तो सर्वव्यापी है, परंतु पत्थर प्रत्यक्षीकरण है उस अदृश्य प्राचीर का जो भगवान और मनुष्य के बीच है। पर मनुष्य को इस प्राचीर के पार जाने हेतु क्या करना चाहिए ऋषिवर? संसार में यही एक प्राचीर है जिसे गिराना अत्यंत कठिन है। इस कठिन प्राचीर को संसार की सबसे कोमल वस्तु ही तोड़ सकती है, और वो है करुणा। करुणा कैसे उपजती है ऋषिवर? तड़प से। इस संसार के सभी जीव उस परब्रह्म परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं। जब आत्मा को अपने सत्य की अनुभूति होती है, परमेश्वर से दूर जाते संसार को कष्ट में देख हृदय जब दुखी होता है, तब उस हृदय से उस पुनर्मिलन की उत्कंठा जाग जाती है।